पश्चिम बंगाल में सियासी पारा काफी हाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर हमले बोल रही हैं और इस बार तो ममता के निशाने पर बीजेपी के साथ चुनाव आयोग भी आ गया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने चुनाव आयोग और बीजेपी को नोटिस जारी कर दिया है। पार्टी ने उन पर कोर्ट की अवमानना के आरोप लगाए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ कोर्ट से उसे एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ पार्टी अब कोर्ट की अवमानना के आरोपों से भी घिरती जा रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी समेत चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उन पर कोर्ट के आदेश के अवमानना के आरोप लगाए हैं। दरअसल ये मामला बीजेपी के विज्ञापनों से जुड़ा हुआ है। चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी ने सोशल मीडिया पर टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन पोस्ट किए थे, जिसे लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को खरी खरी सुना दी। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग में दर्ज शिकायतों को लेकर उसके उदासीन रवैये पर सवाल उठाए थे और साथ ही बीजेपी के इन विज्ञापनों को अपमानजनक बताते हुए इन पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन वहां से भी उसे निराशा ही हाथ लगी। कोर्ट ने भी इन विज्ञापनों को अपमानजनक बताया, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद बीजेपी ने इन विज्ञापनों के प्रकाशन को नहीं रोका, जिसे लेकर टीएमसी ने अब बीजेपी को लीगल नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही टीएमसी ने मामले में चुनाव आयोग के रुख पर भी सवाल उठाए हैं और एक नोटिस आयोग के नाम पर भी जारी किया, जिसके बाद मामले में सियासत बढ़ती हुई नजर आ रही है और चुनाव के बीच बीजेपी अपनी मनमानी की बदौलत कानूनी पचड़े में फंसती हुई नजर आ रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।